अंक ज्योतिष के अनुसार एक से लेके शून्य तक सभी अंकों का एक गहरा महत्व होता है। यदि हम ज्योतिष में देखेंगे तो कुछ अंक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं हमारी जीवन शैली पर। यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप पैसा उधार देते हैं, तो कुछ अंक आपने सुने होंगे, उनका एफिर्मेशन, उनका कंटिन्यू निरंतर उच्चारण उस कार्य को सिद्ध करता है। आपने कई वीडियोस, कई सारे अनुभव लोगों से ये चीज़ जानी होगी कि 708 एक बहुत ही प्रभावशाली अंक है उन लोगों के लिए जो पैसा देते हैं। अब वह पैसा किसी के मदद के लिए दिया हो, या उधार दिया हो, या ब्याज पर दिया हो। अच्छा, इस बात में हमें इस चीज़ की गारंटी नहीं रहती कि वह पैसा आपको वापस मिलेगा या नहीं। तो अंक ज्योतिष के ये तीन अंक 708 आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में बतौर उसका कुछ ब्याज भी आपको मिलेगा। ब्याज से यहाँ पर बात ब्याज के धन की नहीं की गई, धन के ब्याज की नहीं की गई, यहाँ पर उसकी महत्ता की गई है। कई बार हम कई विशेष कार्यों में पैसा लगा देते हैं मगर लोग उसका महत्व नहीं जानते। हमें उसका रिटर्न तो मिल जाता है मगर महत्व नहीं जानते, आपकी थू-थू होती रहती है वहाँ पर। तो ऐसे ये अंक 708 आपको जब किसी को पैसा देना है या पैसा देते समय आपका आपको इसका कंटिन्यू अफर्मेशन होना चाहिए, कंटिन्यू उसका जाप करना है। एक मंत्र उच्चारण जैसे आप करते हैं वैसे ये करना है आपको, 708 708 708। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, कई वीडियोस में आपने देखे होंगे मगर इसके पीछे का आपको सार नहीं बताया गया है। 708 अपने ही आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। हम राशियों पर ले लें तो राशि में ग्रह के अंक, हमारा जहाँ पर शान शौकत धन दौलत हमारे जीवन शैली की बात की जाती है तो शुक्र ग्रह बहुत प्रभावशाली होते हैं। वहीं पर अड़ंगे लगाने वाले कुछ ग्रह होते हैं और आपको ऊपर उठाने वाले भी कुछ ग्रह होते हैं जिन्हें छुपे ग्रह कहते हैं, राहु और केतु। राहु, केतु और शुक्र, ये तीन ग्रहों का समावेश उसका महत्वपूर्ण अंक है 7। ये तीनों का 7 7 7 अंक दर्शाता है। वहीं पर हम जब सारी चीज़ें सोचते हैं कि अब तो सब शून्य हो गया, तो शून्य हो गया नहीं, शून्य का मतलब है, शून्य आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को निरंतर करते रहते हैं उसका कोई शून्य नहीं मिलता, हम उस शून्य की बात कर रहे हैं। तो शून्य भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अंक जो है शनि देवता का अंक है, शनि देव 8 अंक से आपको हमेशा प्रभाव डालते हैं। ऐसी ही कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे द्वारा। आप इस 708 का एफिर्मेशन निरंतर जाप करते समय ही आप उससे पैसा, किसी को उधार देना है, किसी को मदद के लिए देना है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं बतौर आपने उसके अवज में कोई चीज़ खरीदी है, उसके आप किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, उस समय भी आपको 708 यदि जाप करते हैं तो वह पैसा आपको वापस तो मिलेगा ही मिलेगा किसी भी बतौर, मगर उसका कुछ लाभान्वित अंश भी आपको मिलेगा वापस। आपको ये आपके डायरी में नोट कर लेना है, दिमाग में नोट कर लेना है कि पैसा देते समय आपको 708 का कंटिन्यू जाप करना है, मन में करें आप। अब लोग कहते हैं कि हम इंटरनेट पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं या यूपीआई पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट करते समय भी जब वह पेमेंट जा रहा हो किसी दूसरे मोबाइल पर या किसी दूसरे अकाउंट में, तब आपको 708 का निरंतर जाप करना है। 708 अपने आप में ही एक सिद्ध अंक है, आप इसे जाप कीजिए, एफर्मेशन कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।